हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलूका आईएएस। तो बच्चों, आज हिस्ट्री ऑप्शनल में एक बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक हम लोग लेंगे, जिसे बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट माना जाता है। और मैं अभी स्क्रीन पर कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप गेस करिए कि वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड के ग्रेट किंग्स की बात की जाए, जस्ट लाइक दैट द अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, ईडीसी, तो इंडिया से उस लेवल के किंग्स के साथ अगर कोई बैठने की हिमाकत रखता है, अगर बैठने की पावर रखता है, तो वो इंडिया के सिर्फ दो किंग्स हैं। एक किंग है अशोका द ग्रेट और एक किंग है अकबर द ग्रेट। तो आप समझ गए होंगे कि हम एंशंट हिस्ट्री में आज अशोका द ग्रेट की जो स्टोरी है वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो स्क्रीन पर एक हेडिंग डालते हैं, अशोका द ग्रेट। और चूंकि बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अशोकास धमा पर, मतलब अशोका का जो धमा है वो बेसिक आज का टॉपिक है। लेकिन चूंकि अगर अशोकास धमा पर हम टॉक करेंगे, तो उससे पहले हमें आपको बताना पड़ेगा अशोका की अर्ली लाइफ के बारे में भी। तो चलिए सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं, अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। 268 BC to 232 BC, ये अशोका द ग्रेट का ड्यूरेशन है। और बच्चों, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये है, पहला जो थिंग्स है वो ये है कि ग्रेट जो वर्ड है वो हर आदमी के नाम के साथ नहीं लगता। किसी ने लिखा है कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, पर उनका क्या करें जो सांचे बदल जाते हैं, पर उनका क्या करें जो सांचे बदल जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे। बच्चों से मैं एक बात बोलूँगा क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कि चूंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सोल पॉइंट जो है वो स्टोरी है, यकीन मानिए। हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बड़ा टाइम टेकन है, लेकिन बच्चों यकीन मानिए, अगर आप इसको स्टोरी फॉर्मेट में जब प्रिपेयर करेंगे या स्टोरी फॉर्मेट में इस पर डिस्कशन करेंगे, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए बन जाता है। तो हर सब्जेक्ट को क्रैक करने का एक वे ऑफ द स्टाइल होता है। जस्ट लाइक दैट, अगर आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स जो है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी टेक्निकल हो जाता है। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो मैं नहीं मानता कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत है। ये तो एक स्टोरी फॉर्मेट है, अगर आप इसको कहानी की तरह से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। बस फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि स्टोरी जो होती है वो बेसलेस होती है और हिस्ट्री जो है वो एक प्रूफ पर बेस्ड होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक स्टोरी के शक्ल में, जस्ट लाइक अ स्टोरी, हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। और कोशिश ये होगी कि आप इसको ऐसी पढ़ें
चलिए आइए शुरुआत किया जाए थोड़ा अशोका द ग्रेट के बारे में, एक कहानी जो है बहुत ही पुरानी। चलिए, तो मैंने आपसे एक चीज कहा कि अगर दुनिया में, वर्ल्ड में जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर द ग्रेट और दुनिया के ग्रेटेस्ट किंग के साथ बैठने की पावर या हिमाकत कोई रखता है, तो वो एंशंट से जो है अशोका द ग्रेट है और मिडाइवल से अकबर द ग्रेट है। लेकिन आज बात होगी अशोका द ग्रेट की। बेसिक टॉपिक तो हमारा अशोका स्तंभ है, लेकिन चूंकि अशोका के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। आइए, तो सबसे पहले आप एक हेडिंग यहां पे डालेंगे अशोका की अर्ली लाइफ के बारे में। चूंकि देखिए, अगर आप अशोका की बात कर रहे हैं या अशोका धमा की बात करें, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द धमा ऑफ अशोका। अगर आप अशोका के धमा की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अशोका की अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहिए, यहां पर टॉक करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि तभी जाकर आप जस्टिफिकेशन कर पाएंगे चीजों को, जो है जस्टिफाई कर पाएंगे। देखिए, अशोका, जैसा कि आप जानते हैं कि अशोका के ग्रैंड फादर का जो नाम था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। आप इस चीज को, यू नो दैट, चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते होंगे, ये अशोक के ग्रैंड फादर थे। और अशोका को, अशोका का जो पालन पोषण हुआ है, या उसके पूरे, उसका जो पूरा चाइल्डहुड पीरियड जो गुजरा है, वो इन्हीं की देखरेख में गुजरा है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कहा जाता है कि भाई, सोहबत का असर कुछ ना कुछ तो पड़ता है, आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। आप यकीन करिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये काफी है कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द ग्रेटेस्ट एम्परर फ्रॉम द एंशंट हिस्ट्री। और दूसरी चीज ये है कि ही वॉज द स्टैबलर ऑफ मौर्यन एम्पायर इन इंडिया फर्स्ट टाइम, यानी मौर्यन एम्पायर को स्टैबल करने वाले या उसको स्टैब्लिश करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो अशोका द ग्रेट का जो पालन पोषण है, या उनका पूरा जो चाइल्डहुड पीरियड है, ये गुजरा है चंद्रगुप्त मौर्य की देखरेख में। अशोका के फादर का जो नाम है वो है बिंदुसारा। थोड़ा सा, चूंकि रूट लेवल पर बात होनी जरूरी है, तभी आप बाकी चीजों को समझ पाएंगे, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा कि अशोका के फादर का नाम है बिंदुसारा, यानी बिंदुसारा वाज फादर ऑफ अशोका द ग्रेट। आपको मैं बताऊं कि अशोका की अर्ली लाइफ ये थी कि बिंदुसारा जो थे, जब मगध एम्पायर के किंग बने थे, वैसे तो बहुत सारी उनकी क्वींस थीं, बहुत सारे उनके बच्चे भी थे और अशोका भी उनके बेटे थे, बट बिंदुसारा जो है वो अशोका को डिसलाइक करते थे। बिंदुसारा डिसलाइक टू अशोका बिकॉज ऑफ सम रीजंस। कुछ बातें थीं, कुछ अशोका की माँ से रिलेटेड कुछ बातें थीं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनकी, अशोका की मदर को भी डिसलाइक करते थे बिंदुसारा। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन तो हमें लेनी होगी। अब चूंकि देखिए साहब, जिंदगी या लाइफ में एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर अगर आपके अंदर काबिलियत है, इफ यू आर एबल पर्सन, अगर आप योग्य हैं, तो यकीन मानिए एक ना एक दिन आप अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे।
ये दुनिया का दस्तूर भी है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अशोका, ये सही बात है कि बिंदुसारा अशोका को डिसलाइक करते थे, बिंदुसारा डिसलाइक टू अशोका, ही वॉन्ट टू हिज न्यू सक्सेसर सुसीमा। सुसीमा वॉज एल्डर सन ऑफ द बिंदुसारा, बिंदुसारा के बड़े बेटे थे सुसीमा, तो वो चाहते थे कि भाई सुसीमा जो है वो बिंदुसारा के सक्सेसर बने। लेकिन फाइनली तौर पर बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए मौर्यन एम्पायर में और बिंदुसारा ने सुसीमा को ही भेजा उन सारे रिवोल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि तक्षशिला में जो रिवोल्ट हुआ था उसको भी तो सुसीमा जो है कंट्रोल नहीं कर पाए। ये चूंकि बेसिकली वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ द अशोका द ग्रेट, क्योंकि जब तक आप रूट लेवल पर अशोका के बारे में नहीं जानेंगे तो आप अशोका से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। जस्ट लाइक हिज इकोनॉमिकल कंडीशन, हिज पॉलिटिकल सिचुएशन, हिज रिलीजियस पॉलिसी, ये सब कुछ, या उसकी धमा जो पॉलिसी है उसको भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं ये चीज बता रहा था कि बिंदुसारा तो ये चाहते थे कि उनका जो सक्सेसर हो वो सुसीमा हो, बट सुसीमा बिकम अनसक्सेस इन एनी टाइम इन एवरी टाइम। बार बार सुसीमा जो है वो अनसक्सेस हुए और फाइनली तौर पर जहां जहां मगधा एम्पायर में रिवोल्ट्स हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि तक्षशिला हो या जस्ट लाइक उज्जैनी हो, फाइनली तौर पर बिंदुसारा ने एटलीस्ट अशोका को बोला कि बेटा सन प्लीज गो देयर एंड सॉल्व द होल प्रॉब्लम, जाओ और वहां पे आप सॉल्व करो। और फाइनली तौर पर अशोका ने अपने आप को प्रूफ किया, तो अशोका प्रूव्ड हिम अगेन एंड अगेन। बट बिंदुसारा dislike to Ashoka, he want to his new successor to his elder son Susima. कहने का मतलब है कि इतना होने के बाद भी बिंदुसारा जो है वो सुसीमा को ही अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन वही चीज है कि फाइनली तौर पर जब बिंदुसारा की डेथ हो गई, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसारा, ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर सक्सेसर वॉर हुआ मगधा में। मगधा में क्या हुआ? सक्सेसर वॉर हुआ। और इस सक्सेसर वॉर में फाइनली अशोका ने खुद को प्रूफ कर दिया। कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द बौद्ध अनुश्रुति सुनी गई बातों पर बेस्ड, थोड़ा सा इसको हम लोग पहले मिटाएंगे। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो अशोकास धमा पर बेस्ड होगा, ठीक है। हम कह रहे थे कि एक वर्ड आता है बुद्ध अनुश्रुति, बुद्ध अनुश्रुति, देखिए, यानी टॉक बेस्ट ऑन द लिसनिंग, यानी ऐसी बातें जो सुनी गई बातों पर बेस्ड हो, इसी को बुद्ध अनुश्रुति कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बुद्ध अनुश्रुति, अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स इन सक्सेसर वॉर। Killed his 99 brothers in successor war. यानी अशोका the great ने अपने 99 brothers को brutally killed किया, बहुत ही बेरहमी के साथ मार डाला। और finally अशोका become a new king of the Magadha, यानी मगध empire के वो नए जो है वो king बन गए। तो इट वॉज द अशोकाज अर्ली लाइफ। आपको मैं बता दूं कि अशोका बहुत ही ज्यादा अपनी अर्ली लाइफ में क्रूएल आदमी था, मतलब अशोका वॉज अ वेरी क्रूएल पर्सन इन हिज अर्ली लाइफ, बहुत ही ज्यादा क्रूएल पर्सन हुआ करते थे या इसके बारे में उनको जाना जाता था। आपको मैं बताऊं कि जो मध्य प्रदेश का एरिया है वहीं पर
कहा जाता है कि अशोका ने एक हेल गेट बनाया था जिसको नरक द्वार या हेल गेट कहा जाता है। बाकायदा वहाँ पर जो प्रिजनर्स होते थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था, और पनिशमेंट में कैसे उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, कितनी तरह की जो ख़तरनाक पनिशमेंट होनी चाहिए, उसका पूरा जो ग्राफ है वो अशोका द ग्रेट ने खुद तैयार किया था। तो जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि इन हिज अर्ली लाइफ अशोका वॉज वेरी वेरी क्रूएल। बौद्ध अकॉर्डिंग टू द बौद्ध अनुश्रुति कहती है चंड अशोका। अशोका को क्या कहा गया? चंड अशोका। तो चंड का सेंस आप समझ ही रहे हैं, चंड अशोका देख रहे हैं आप। मतलब एक चीज है कि अशोका अपनी अर्ली लाइफ में बहुत ही डिफरेंट थे, ठीक है। जो जिस अशोका के बारे में हम और आप पढ़ते हैं, जो कलिंग वॉर के बाद अशोका दिखाई देते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। तो ये तो एक नॉर्मली तौर पर हम लोगों ने अशोका के अर्ली लाइफ पर बात की। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो अशोकास धमा पर बेस्ड होगा, तो चलिए मेन हेडिंग पे आते हैं और इसको हम फाइनली तौर पर मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को नोट किया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगती हो कि ये रेलेवेंट है, ये नीडफुल है, तो आप उसको नोट करेंगे। अब जो मेन टॉपिक है आज की क्लास का वो है अशोकास अशोकास धम्म, यानी अशोक का धम्म। ये आज का हमारा टॉपिक है। मतलब बेसिकली आज जो टॉपिक मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो है अशोकास धमा। तो ये हेडिंग आप सबसे पहले डाल लेंगे, अशोकास धमा। इससे पहले एक कहानी है कि आप पूछ सकते हैं कि सर यू आर सेइंग दैट अशोका वाज द वेरी क्रूएल पर्सन इन हिज अर्ली लाइफ, बट ही वाज प्रमोटिंग द अशोकास धमा, व्हाट वाज द रीजन? मतलब इतना क्रूर आदमी है और क्रूर होने के बाद जो है वो धम्म को प्रमोट कर रहा है, धम्म द सेंस ऑफ धर्म, तो व्हाट वाज द रीजन? हाउ वाज इट, इज इट पॉसिबल कि अ ब्रूटल पर्सन, a cruel person changed in a moral person, in a normal person, in a dhamma person? आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप तो बता रहे हो कि इतना ज्यादा cruel आदमी था, इतना ज्यादा brutally उसने जो है killing की थी 99 brothers की, कैसे ये changing हो गई? तो इसके पीछे भी कुछ बात है और वो है कलिंगा वार। जो 261 BC में लड़ा गया था, यू नो दैट कितनी बार, मतलब आई थिंक सो लॉट ऑफ टाइम क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन एग्जामिनेशन, कलिंगा वॉर डेट रिगार्डिंग टू होम, किसके साथ ये अटैच है, अशोका द ग्रेट के साथ है। तो चलिए कलिंगा वॉर, चूंकि अशोकास के धमाके को समझने के लिए हमें कलिंगा वॉर भी समझना पड़ेगा, चूंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दूसरे से लिंक होता है। अगर आपको इसे विथ लिंकेज नहीं पढ़ेंगे, लिंक के साथ नहीं समझेंगे, तो कभी ये इस पर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल बन ही नहीं पाएगी, करेक्ट? तो चलिए कलिंगा वॉर की बात हो रही है और 261 बीसी में ये हुआ था, मतलब कलिंगा वॉर हेल्ड इन 261 बीसी। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कलिंगा वॉर एंड अशोका धमा? मतलब धमा एंड वॉर, दिस आर द डिफरेंट वर्ड्स, बट सर यू आर सेइंग दैट दिस इज अ ह्यूज रिलेशन बिटवीन द धमा एंड कलिंगा वॉर।
देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि अशोका जब मगधा एम्पायर के किंग बन गए, उस टाइम भी बहुत ही ज्यादा उन्होंने ब्रुटली किलिंग की थी, बहुत ही ज्यादा लोग मतलब अशोका के कोप का भाजन बने। अशोका को चंड अशोका कहा जाता था उस टाइम में। उस टाइम में कलिंगा जो है एक फ्रीड स्टेट हुआ करता था। कलिंगा क्या था? फ्री स्टेट था। कलिंगा वॉज अ फ्री स्टेट इन द रेन टाइम ऑफ अशोका द ग्रेट। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सर हाउ वॉज इज इट पॉसिबल कलिंगा वॉज फ्री? इन द रेन टाइम ऑफ द मगधा एम्पायर, इन द रेन टाइम ऑफ द बिंदुसारा इन अशोका द ग्रेट, कलिंगा वॉज फ्री। हाउ वॉज इज इट पॉसिबल? इतने बड़े एम्पायर में एक छोटा सा स्टेट फ्री कैसे हो गया भाई? कैसे फ्री हो गया? देखिए साहब, इसका आंसर यह है कि कुछ स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो बताते हैं कि इन द रेन टाइम ऑफ बिंदुसारा कुछ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन पाई गई थी, सम इश्यूज पाए गए, कुछ डिस्क्रिमिनेशन पाई गई बिंदुसारा के टाइम में, बिकॉज बिंदुसारा वॉज अ किंग ऑफ मगधा एम्पायर दैट टाइम। एक्चुअली ही वॉज अ नॉट अ गुड पोलिटिकल लीडर एंड ही वॉज अ नॉट ऑल्सो अ गुड डिप्लोमेट इन हिज टाइम। द बिंदुसाराज अचीवमेंट वॉज ही सेव द मगधा एम्पायर इन हिज रेन टाइम। मतलब यह था कि उसने मगधा एम्पायर को सेफ रखा। दूसरा अचीवमेंट यह था कि ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। मतलब दो ही अचीवमेंट है। पहला तो यह कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा अचीवमेंट यह है कि जो उसने अपने फादर से एम्पायर पाया, अप्रोक्सीमेटली वो एम्पायर सेफ रखने में वो सक्सेस रहा। और एक चीज और कि ही वॉज द फादर ऑफ अशोका द ग्रेट, वो अशोका का फादर भी था। यही वजह है कि आज भी बिंदुसारा को याद किया जाता है। अगर आप पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की बात करेंगे, अगर आप डिप्लोमेसी की बात करेंगे, अगर आप किसी विक्ट्री की बात करेंगे, तो ही वॉज अनसक्सेसफुल लीडर ऑफ द मगधा एम्पायर। सक्सेस नहीं रहे वो, थोड़ा रसिक मिजाज इंसान थे। तमाम तरह के नाम और कहानियां जुड़ी हुई हैं बिंदुसारा के साथ। तो ये बात तो जेन्युइन सी है कि हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना होता, इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है फाइनली, कि हर जो सिर होता है, कुछ सिर ही होते हैं जो क्राउन के लिए बनाए जाते हैं, जो ईश्वर बनाता है, जो गॉड बनाता है हमारा। बोलिए तो अब क्या है कि बिंदुसारा के टाइम में कुछ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुए थे, कहीं पर मामलात लूज हुए थे, जिसकी बेनिफिट लेते हुए जो कलिंगा है वो फ्री हो गया। जो उड़ीसा से, उड़ीसा जो स्टेट है हमारा, वहीं के आसपास उसी जगह पर कभी कलिंगा हुआ करता था। चलो ठीक है, कलिंगा फ्री हो गया, बिंदुसारा के टाइम में फ्री हो गया, लेकिन अशोक जैसा एम्बिशन फुल एम्परर जो है वो अपने एम्पायर में एक फ्री स्टेट को कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। मतलब अशोका जो है मौर्यन एम्पायर में एक फ्री स्टेट को बर्दाश्त कर ले, सहन कर ले, दैट वॉज नॉट पॉसिबल।
दो रीजंस हैं इसके पीछे. देयर वेर द टू रीजंस बिहाइंड दिस व्हाई अशोका कांट बिफोर्ड अफोर्ड. क्यों अशोका जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्यों वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, सहन नहीं कर सकता था, इस चीज को समझिएगा. क्वेश्चन देखिए, मैं कहता हूं क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है, सवाल भी यही है, जवाब भी यही है. असल में होता क्या है कि जो पढ़ने का तरीका है हिस्ट्री को, मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूंगा, वो ये है कि देखिए साहब, कुछ लोग टेक्निक की बात करते हैं कि टेक्निक से पढ़ना चाहिए. मैं कहता हूं कि ठीक है, टेक्निक की अपनी जगह है, अपना प्लेस है. अगर थॉरली स्टडी आप नहीं करोगे ना, तो फिर क्वेश्चन परेशान तो करेगा ना. कहने का मतलब यह है कि कोई भी स्टोरी है, अगर उसके डेप्थ में जाकर आपने स्टडी नहीं किया है, अगर थॉरली स्टडी नहीं किया है उस पर और सिर्फ टेक्निकली आपने उसको रेडी कर लिया है किसी तरह, तो क्वेश्चन तो कहीं से पूछा जाता है. और अगर क्वेश्चन डेप्थ में जाएगा, थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन मूव करेगा, तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे. फिर आप लोग कहने लगते हैं कि यार क्वेश्चन बहुत टफ था, या यहाँ से आया वहाँ से आया. मेरा मानना है कि अगर अपनी जहाज कमज़ोर है, अपनी शिप ही जो है वीक है, तो हम समंदर की लहरों को दोष नहीं दे सकते. और वो आदमी जो अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो लाइफ में कभी आगे तो बढ़ ही नहीं सकता. मैं इस चीज़ में यकीन रखता हूँ, इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ. तो मेरा मानना है कि एक चीज़ और, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के जो बच्चे हैं मेरे, उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जस्ट बिलीव मी, आप 60% जो एरियाज है ना हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस का, 60% ऐसा एरिया है कि अगर इसको आप कंप्लीट कर जाओ, तो यकीनन हिस्ट्री ऑप्शनल आपका कवर हो जाएगा. यू कैन कवर द हिस्ट्री ऑप्शनल इन ओनली 160% स्टडी. सिर्फ 60% स्टडी अगर आप कर लें हिस्ट्री ऑप्शनल के एरियाज में जाकर, तो आप इसको पूरा पूरा कवर कर सकते हैं. लेकिन कहने का मतलब यह है कि 60% भी उसके लिए है जिसने एक बार कंप्लीट तो पढ़ा हो. अगर मान लीजिए कुछ भी इसके बियॉन्ड जाता है, तो वो तो छूटेगा ना. लेकिन ये कंफर्म है कि 60% ऐसे एरियाज हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस के कि अगर आप इसको पढ़ लें, तो आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑप्शनल कवर हो जाती. करेक्ट. चलिए, अब वो चीज़ें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा सेक्शन है जिसको आपको पढ़ लेना है. अगर आप पढ़ लेंगे तो उस पर वहां से क्वेश्चन फिर कहीं बाहर नहीं जानना है, वो क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा. और यही तो ट्रिक है, एक टीचर का जो ट्रिक होता है, या एक टीचर जहां पे वर्क करता है, वो यहीं पे करता है. चलिए, अब आते हैं फिर से मेन जो है टॉपिक पर आते हैं. कि मैंने बताया कि कलिंग जो फ्री हो गया था, उसका रीजन मैंने बताया कि कुछ बिंदुसारा की कमजोरी थी, कि ही वॉज अ नॉट अ गुड लीडर, पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज अ नॉट अ गुड डिप्लोमेट, वो उतना स्ट्रांग नहीं था, कोई भी विक्ट्री उनके नाम नहीं है. तो इट मे बी पॉसिबल, ये हो सकता था कि ये जो कलिंग है वो फ्री हो गया हो. अशोका जब किंग बने, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो चैलेंज था कलिंग का फ्री स्टेट. मतलब फ्री कलिंग स्टेट वॉज द बिगर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द अशोका द ग्रेट दैट टाइम. अब आप सोच रहे होगे कि सर, कलिंगा वॉज अ वेरी लिटिल स्टेट, वो छोटा सा स्टेट था, इतना बड़ा एम्पायर, और उस एम्पायर का ओनर अशोका द ग्रेट, क्या फर्क पड़ जाता है इससे, क्या इफेक्ट पड़ जाता है मौर्य एम्पायर पे, जब एक छोटा सा स्टेट जो है वो फ्री हो गया था. ये क्वेश्चन हो सकता है.
मैं कह रहा हूँ कि जब टॉपिक को हम थरली स्टडी करते हैं, जब जब हम टॉपिक का डिसेक्शन करते हैं, तो क्वेश्चन यहीं पे आ जाते हैं। जब आप डेप्थ में जाकर किसी चीज को पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं बार बार कि अगर हर जगह पे टेक्निक यूज करोगे तो फिर दिक्कत आनी आनी है, क्योंकि एकमात्र फंडा है कि सिलेबस को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और थरली पढ़ना पड़ेगा। गेस वही कर पाएगा जो सिलेबस को ठीक से पढ़ा हो। तो मैं ये चीज कह रहा था कि अब अशोका के सामने दो चीजें थी, दो बातें थी। ये क्वेश्चन है कि सर इट वाज अ वेरी लिटिल स्टेट, तो अशोका को क्या प्रॉब्लम थी? बहुत छोटा सा स्टेट था, मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, बिगेस्ट एम्पायर भाई इंडिया में वही था ही। तो इसका भी आंसर है। क्या आंसर है? पहला आंसर ये है कि देखो, ये सही बात है कि जो कलिंगा था वो बड़ा ही लिटिल स्टेट था, बहुत ही छोटा सा स्टेट था। इट वॉज अ वेरी लिटिल स्टेट इन द रेन टाइम ऑफ द अशोका, नो इश्यू। बट इश्यू है, प्रॉब्लम है, सपोज दैट आपके पास 100 रूम्स है, यू हैव 100 रूम्स इन योर बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग में 100 रूम्स हैं, 100 कमरे हैं। सपोज दैट एक कमरा किसी ने हायर कर लिया, जबरदस्ती आकर जो है, बोल्डली आकर उसने छीन लिया, स्नैच कर लिया कि दिस इज माइन रूम, ये मेरा कमरा है। वहां पर ये क्वेश्चन रेज होगा कि भाई यू हैव द 100 रूम्स, यू लॉस्ट द 1 रूम, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट गो। यही तो बोलेगा आदमी, अरे छोड़ो यार, 99 रूम्स तो है ना, एक गया तो गया। लेकिन प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम ये है कि आने वाले टाइम में कोई और आएगा और आपकी बिल्डिंग का दूसरा कमरा आपसे स्नैच करेगा, आपसे छीनेगा, आपसे ले लेगा, तीसरा कमरा भी जाएगा, थर्ड रूम, फोर्थ रूम, फिफ्थ रूम, और इन फ्यूचर आप पूरी की पूरी बिल्डिंग लॉस्ट कर जाओगे। मतलब अशोका एक बहुत ही ज्यादा माइंडफुल पर्सन था, दूरदर्शी व्यक्ति था, वो जानता था इसका मतलब कि एक फ्री स्टेट से कोई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो हिडन है, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स हैं मौर्यन एम्पायर के वो एक्टिव हो जाएंगे कि जब अशोका द ग्रेट कलिंगा को हायर नहीं कर पाए, कलिंगा की विक्ट्री नहीं कर पाए, तो हमारा भी नहीं करेंगे, और एटलीस्ट फाइनली जितने भी मौर्यन एम्पायर के स्टेट होंगे वो फ्री हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम इज दिस, हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के का एक फेज आपने देखा कि कलिंगा वाज अ लिटिल स्टेट, और सिक्के का दूसरा फेज आपने देखा कि वो इट वाज अ वेरी डेंजरस फेज, कि अशोक कैन लॉस्ट हिज होल एम्पायर फॉर द कलिंग। तो ये भी होता है। अगर मेरी क्लास में कोई एक लड़का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और देयर वेयर द 100 स्टूडेंट्स आर सिटिंग हेयर, तो नो इश्यू। बट इश्यू इज दिस, इश्यू ये है कि उस एक स्टूडेंट को देखकर बाकी सारे भी एक्टिव हो जाएंगे और फिर बैड एक्टिविटी करेंगे, और इससे हमारी क्लास का डिसिप्लिन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो पॉइंट इज दिस कि हमें उस एक स्टूडेंट को रोकना होगा, प्रोवीट करना होगा, उसे पनिश करना ही होगा।
मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि एथिक्स जो है सचमुच में अगर देखा जाए ट्रूली, तो हिस्ट्री इज द मदर ऑफ एथिक्स आल्सो। एथिक्स के लिए भी आपको कहीं दूर नहीं जाना, एथिक्स तो शुरू ही होता है यहीं से। तो हिडन रीजन ये था, क्योंकि ये एक डिसेक्शन क्लास है, एक ऑप्शनल की क्लास है, तो इसमें हर एस्पेक्ट से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन टॉपिक, जस्ट लाइक अशोका द ग्रेट एंड हिज धमा, नथिंग एल्स। मेरा जो पूरा का पूरा प्रेशर है वो इस बात पर है कि हम अशोका पर डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके थीम को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पर बन सकते हैं। और यकीन मानिए, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इजिली उसका आंसर दे देंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अगर क्लियर हो जाए तो। और टेक्निक, क्या टेक्निक यहां पे यूज होगी, बहुत आसान टेक्निक है कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो जाती है, ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया, इसकी फ्रेमिंग कर लिया। मैं एक सिंपल सी बात बच्चों से कह रहा हूं, ये अगर किसी रिवर में आप फिश हंटिंग करने जा रहे हो, सपोज दैट फिश जो होती है रिवर में जंप करती रहती है, तो होता क्या है, एक फिश हंटर है, फिश अगर जंप कर रही है तो वहां पे उसने कटिया फेंक दी अपनी, वहां पे जाल, नहीं, जहां पे फिश जंप करती है वहां वहां फंसती क्या। यूपीएससी का क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेड कहां, वहां रिपीट कहां करता है, हर बार नया सवाल आता है। तो कहने का मतलब यह है कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर कॉन्सेप्ट। अगर स्टोरी को थारली हमने पढ़ा है तो क्वेश्चन कहीं से भी आए हम उसका आंसर लिख सकते हैं, और अगर हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है और क्वेश्चन आंसर किया है तो ये एक इट कैन बी अ बिगेस्ट फॉल्ट इन योर स्टडी इन योर फ्यूचर, आप पक्का डिसबैलेंस करोगे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हमारा जो जोर होगा, हमारा जो वर्क होगा वो कॉन्सेप्ट पर होगा, कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक पर पूछे जा सकते। और आप देख भी रहे हैं कि मैं कम से कम ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी टॉपिक है तो वो क्यों हुआ था। कलिंगा पर ही मैंने बताया कि इसके पीछे भी जो हिडन टारगेट्स थे वो कितने थे। कलिंगा एक बहुत ही छोटा स्टेट था, पर अशोका ने क्यों यहां पर अटैक किया, व्हाट वाज द रीजन। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया कि कलिंगा वाज अ लिटिल स्टेट टू, एक छोटा स्टेट जरूर था, लेकिन जो इसका हिडन देखा जाए कि हिडन जो इसका आंसर था या इसके पीछे जो हिडन चीज छुपी हुई थी, वो जो चीज हिडन थी वो ये थी कि कलिंगा एक बहुत बड़ा मैसेज था अदर स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। 261 बीसी में अशोका ने वॉर छेड़ दिया और कलिंगा पर मगध का अटैक हो गया। कलिंगा एक बहुत ही छोटा सा स्टेट, मगध एम्पायर मतलब ह्यूज एम्पायर, द ग्रेटेस्ट एम्पायर फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन टेरिटरी, मतलब इतना बड़ा एम्पायर तो कोई नहीं था। अशोक महान, अशोका द ग्रेट, इतना बड़ा जो है एम्परर, इतना बड़ा जो है वॉरियर ऑफ हिज टाइम, द ग्रेट वॉरियर ऑफ हिज टाइम, तब कोई इसका जवाब नहीं था, नो ऑप्शन ऑफ द अशोका इन दैट टाइम। इतना ब्रूटल और इतना ज्यादा क्रूएल इंसान था वो, जिसने अपने 99 ब्रदर्स को नहीं छोड़ा जिंदा,
एम्पायर को पाने के लिए, तो कलिंगा उसके सामने कुछ नहीं था। तो वही चीज़ है कि चंद्रप्रदाई ने जो लिखा है कि हाथ कंगन तो आरसी क्या, यानी जो चीज़ें आपको शो हो रही हैं उसमें कोई चीज़ हिडन हो ही नहीं सकती। तो वॉर हुआ और बैटलफील्ड में कलिंगा जो है वो डिफीट हो गया, फाइनली तौर पर अशोका ने विक्ट्री पाई। ये बहुत ही ज्यादा, इट्स अ वेरी नॉर्मल कि अशोका ने विक्ट्री पाई कलिंगा के ऊपर, इट्स वेरी नॉर्मल। और ये बहुत ही नोन बात थी कि इतना बड़ा एम्परर एक छोटे से स्मॉल से स्टेट के ऊपर अटैक कर रहा है, इट वॉज वेरी नॉर्मल। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो नॉर्मल नहीं। बात क्या हुआ कि जब अशोका द ग्रेट मूविंग कर रहा था, व्हेन ही वाज मूविंग इन बैटल ग्राउंड, व्हेन ही सा द लॉट ऑफ पर्सन्स वेयर किल्ड इन बैटल ग्राउंड्स, 2 लाख नियर अबाउट, सम स्कॉलर्स जो है आर सेइंग अबाउट द कलिंगा वॉर, 2 लाख पीपल्स वेयर किल्ड इन बैटल ग्राउंड्स, 2 लाख लोग मारे गए। अशोका वॉज मूविंग, चारों तरफ घूम रहा है और क्या देख रहा है, सम पीपल्स वेयर डाइंग, सम पीपल्स वेयर क्राइंग, सम पीपल्स वेयर वॉन्टेड, कोई मर रहा है, कोई करा रहा है, कोई वाटर मांग रहा है, पानी मांग रहा है, मतलब इट वॉज अ वेरी डेंजरस एंड हार्ट टचेस्ट सर्कमस्टेंसेस इन बैटल ग्राउंड दैट टाइम, मतलब बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये टाइम था अशोका द ग्रेट के सामने। मतलब आप फील करिए, एक्चुअली में बच्चों कोशिश हमारी ये है, जैसे मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि चाइल्डहुड टाइम में आपने स्टोरीज सुनी होगी अपने एल्डर्स से, आप सबने सुनी होगी, डेफिनेटली सुनी होगी। ये बताओ बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो आज भी आपको याद है, चाइल्डहुड टाइम में आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, वो मूवीज आज भी आपको लर्न है, अगर आपसे कहा जाए तो आप पूरी मूवी की स्टोरी बता दोगे। हाउ कैन इट्स पॉसिबल इतने लॉन्ग टाइम के बाद भी आप स्टोरीज जो है वो टेलिंग कर रहे हो, आप मूवीज टेलिंग कर रहे हो, हाउ कैन इट विल बी पॉसिबल। होता क्या है कि जब हम स्टोरी फॉर्मेट में किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो चीज अमेजनाइज्ड हो जाती है, और जिस चीज को आप अमेजिन कर लेते हैं वो पूरी लाइफ टाइम कभी नहीं भूलती। यही वे है, हिस्ट्री वास्ट जरूर है, लेकिन मैंने एक बार ये चीज बताया था एक इंटरव्यू में कि हिस्ट्री वास्ट जरूर है, लेकिन हमें इसके पढ़ने का, स्टडी करने का जो वे है वो चेंज करना होगा। सिर्फ टेक्निक पर आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमें हिस्ट्री को एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ना होगा, करेक्ट। तो अशोका ने जब कलिंगा बैटल ग्राउंड में अपनी आंखों से देखा, when he saw the brutal condition of the killing, तो फिर क्या था, मतलब अशोका को realize हो गया कि यार मैंने क्या कर दिया। मतलब finally अशोका ने उसी battle ground में यह announcement किया कि I will never fight, मैं कभी दोबारा नहीं लड़ूंगा। अशोका ने क्या कहा कि आई विल नेवर फाइट अगेन इन फ्यूचर, अब मैं भेरी घोष नहीं धम्म घोष करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। क्योंकि वो एक ऐसा कंडीशन था बैटल ग्राउंड का जिसमें समबडीज वेयर डाइंग, समबडीज वेयर क्राइंग, कितने लोग घायल थे, कोई वाटर के लिए आस्क कर रहा है कि प्लीज गिव मी वाटर, One drop of water, save my life। अशोका उसने देखा जब, तो देखने के बाद
उसका जो हार्ट है वो बेचैन हो गया। उसने बोला कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक होगा, और उसने ऐलान किया कि आई विल नेवर फाइट अगैन, मतलब कभी मैं दोबारा लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और अब जो है वो भेरी घोष की जगह पर, या जो नगाड़े बजते हैं ना बैटल ग्राउंड में, उसकी जगह पर अब धम्म घोष होगा, या धम्म का अनाउंसमेंट उसने किया कि नहीं, मैं अब कभी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो बच्चों अब यही चीज है कि आफ्टर द कलिंगा वार अशोका बिकम चेंज, अशोका चेंज हो गए, और इसी के बाद उसने जो है धम्म का प्रमोशन शुरू कर दिया, है ना। तो जो धम्म का प्रमोशन है अशोका ने इसी वॉर के बाद किया था। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अशोकास धम्मा, क्योंकि देखिए अभी तो मैंने अशोका के अर्ली लाइफ पर डिस्कस किया, ठीक है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अशोकास धम्मा कि व्हाट वाज द अशोकास धम्मा, अशोका का जो धम्मा है वो रियल में है क्या, करेक्ट। तो अब इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टाइम में इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, आगे चलकर इस पर आपके साथ पूरा पूरा एक एक ब्रॉड वे में डिस्कशन होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।